नमस्ते प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आनंद और एक दांत का डॉक्टर के बीच में होने वाला वार्तालाप चित्र के माध्यम से देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। इधर देखो, पहला चित्र में डॉक्टर और आनंद दोनों भी हैं। आनंद बिस्तर पर लेटा हुआ और कराहा रहा है, कराहा यानी दर्द की आवाज। तभी वह डॉक्टर आगे आनंद से पूछते हुए, क्या तुम्हारे दांत में दर्द है? आनंद, आजी बहुत दर्द है डॉक्टर आनंद का मुंह खोलकर देखते हुए, तुम्हारे दो दांतों के कीड़ा लगा है, दोनों दांत निकलने होगा। आनंद, दांत निकालने पर बहुत दर्द होगा, मेरा मुंह भी अजीब सा लगेगा। डॉक्टर, तुम्हारा आलस्य का नतीजा है। आनंद, मैं कभी भी ब्रश करता हूँ। डॉक्टर, कभी भी नहीं, दिन में दो बार ब्रश करना चाहिए, कुछ भी खाने के बाद कुल्ला करना भी जरूरी है। आनंद, कुल्ला क्यों जरूरी है? डॉक्टर, बेटा मेरे बात ध्यान से सुनो, जब हम कुछ कोई चीज खाते हैं तो खाने से कण दांतों में फंस जाते हैं, ये कण सड़कर दांतों को खराब कर देते हैं। कुल्ला करने से ये कण बाहर आ जाते हैं। आनंद, मेरे दांतों से कभी कभी खून भी निकलता है। डॉक्टर, सफाई के साथ साथ भोजन पर भी ध्यान देना चाहिए। आनंद, मुझे दूध अच्छा नहीं लगा। डॉक्टर, दांतों को ठीक रखने के लिए दूध पीना भी उतना ही जरूरी है, इतना ब्रश भी करना चाहिए। आनंद, मुझे तो यह पता नहीं था। डॉक्टर, बेटा मुझसे एक वायदा करो। आनंद, कैसा? डॉक्टर, नित्य दो बार ब्रश करेंगे और दूध पिएंगे। आनंद ने क्या किया? जी हाँ, मैं वादा करता हूँ। बच्चों, इस वार्तालाप ने क्या सीख मिलते हैं? डॉक्टर ने बताया आनंद को दिन में दो बार ब्रश करने के लिए और दूध पीने के बारे में विवरण दिया, और अपनी दांतों को देखभाल भी अच्छी तरह से करना चाहिए। आओ, आज आपके पुस्तक में पेज नंबर 16 में दांतों की सफाई नामक एक गद्य पाठ है। इसके बारे में मैं विस्तार रूप से विवरण देती हूँ। पेज नंबर 16। आइए बच्चों, शुरू करेंगे। गद्य का नाम दांतों की सफाई। बच्चों,
दांत अनमोल है। आप भी अपने दांतों को साफ सुथरा रख सकते हैं। कई बच्चों के दांत मोतियों की तरह चमकते हैं, जबकि कुछ बच्चों के दांत मैले और पीले होता है। मोतियों की तरह चमकते दांत सबको अच्छे लगते हैं। आइए आज आपको दांतों की रक्षा का उपाय बताते हैं। इस को ध्यान से देखो, इसमें आने वाला शब्दार्थ के बारे में मैं बताती हूँ। अनमोल, अनमोल का मतलब अमूल्य या कीमती। सूत्रा, सूत्रा यानी स्वच्छ साफ या शुद्ध। नेक्स्ट मैले, मैले का मतलब गंदा। पीले, पीले यानी येलो कलर। हम शरीर को साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है, है ना बच्चा बच्चों? रोज ब्रश करना चाहिए, प्रतिदिन नहाना चाहिए, दोहे कपड़े पहनना चाहिए, सप्ताह के एक दिन नाखून काटना चाहिए। इसी तरह आपकी हमें शरीर की सफाई का और ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक अंग होते हैं। हमारे शरीर में दांत महत्वपूर्ण अंग है। दांत को साफ नहीं रखे तो हमारे दांत दर्द हो सकते हैं। साफ सुथरा रखने से दांत मोतियों की तरह चमकते हैं। इस चित्र में देखो, दांत मोतियों की तरह चमकते हैं। इसका कारण हर रोज और सोने से पहले दांत को अच्छी तरह से साफ करना अत्यंत आवश्यक है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए अंगों को सफाई करना अनिवार्य है। साफ नहीं रखेंगे अपना दांत गंदे हो सकते हैं। दूसरा चित्र में देखो, इस चित्र में अच्छी तरह से दांत को साफ कर नहीं करते समय दांत पीले रंग और मैले होते हैं, देखने के लिए पसंद नहीं है। मोतियों की तरह चमकने के लिए हम क्या करना चाहिए? रोज दांतों को साफ करना अत्यंत आवश्यक है। एक दिन सुबह उठने से पहले और सोने के पहले हमेशा अच्छी तरह से ब्रश करना अत्यंत आवश्यक है। दिन में दो बार ब्रश करना अत्यंत आवश्यक है। इसी तरह ब्रश करते समय आपका दांत भी मोतियों की तरह चमकते हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चों। दांतों का काम भोजन को चबाना है। हम जितनी अच्छी तरह भोजन को चबाएंगे वह उतनी ही अच्छी तरह पचेगा, लेकिन भोजन करने के पश्चात हमें अपने दांतों को नीम के गर्म पानी से साफ करना चाहिए। इधर देखो, चबाना का मतलब काटना, पचेगा यानी डाइजेस्ट।
दांतों का काम क्या है बच्चों? दांतों का काम भोजन को अच्छी तरह से चबाना। अच्छी तरह से चबाएंगे उतनी ही अच्छी तरह से खाना पचेगा। दांतों को मजबूत बनने के लिए कच्ची सब्जियां और फलों को खाना चाहिए। बाद में अपने दांतों को नीम के गर्म पानी से साफ करना अत्यंत आवश्यक है। हर रोज हम 2 या 3 बार खाते हैं ना, खाने के बाद गर्मी नीम पानी से अपनी दांतों को साफ करना अत्यंत आवश्यक है। इधर देखो, दांतों की सफाई भी सावधानी बरतनी चाहिए। सवेरे उठकर शौच के बाद हमें नित्य ब्रश और पेस्ट से दांत साफ करने चाहिए। बाजार में कई प्रकार के दंत मंजन भी मिलते हैं। आप अपनी रुचि के अनुसार कोई भी मंजन चुन सकते हैं। गांवों में बहुत से लोग नीम, करौंच, सकुहा, बबूल आदि की दातुन भी करते हैं। ये सब दांतों की सफाई के उत्तम उपाय है। इसमें आने वाला कठिन शब्द बर्तनी। बर्तनी यानी टेक केयर। नित्य प्रतिदिन रुचि इच्छा के अनुसार मंजन। दांत साफ करने का चूर्ण, करौंच और सकुहा, नीम, ये 3 पेड़ की शाखा या पेड़ की वृक्षा की शाखा बबूला दवा की तरह काम करने के लिए उपयोग करता है। दातुन, दातुन का मतलब मुंह में लेकर, इन चीजों की सहायता से मुंह में लेकर दांतों से कुचलाना या काटना है। उत्तम, उत्तम का मतलब सबसे अच्छा। इस चित्र को ध्यान से देखो। इस चित्र में ब्रश करने के बारे में विवरण है। इसी तरह आप भी ब्रश करते समय आपकी दांत मोतियों की तरह चमकते हैं। दांत हमारे शरीर के महत्वपूर्ण होने के कारण इस पर ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। इधर देखो, सवेरे उठकर शौच के बाद अपनी रुचि के अनुसार दंत मंजन से दांतों को साफ करना चाहिए। आपकी इच्छा के अनुसार दंत मंजन लेकर अपनी दांतों का साफ करना अत्यंत आवश्यक है। गांवों में बहुत लोग नीम, कौंजा और सकुहा पेड़ की शाखा के सहायता से दांत साफ करते हैं। और खाने के बाद भी अपने दांतों की सफाई करना चाहिए। सफाई रखने से कीड़ा नहीं लगता है। आगे बढ़ेंगे बच्चों। सफाई कर लेने ही काफी नहीं है। हम जब भी कुछ खाते हैं हमें अपने दांतों की सफाई करनी चाहिए।
कई बच्चे हर समय कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। ऐसा करना दांतों के लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि हम हर समय दांतों की सफाई नहीं कर सकते। इस तरह दांतों में काए हुए अन्न के टुकड़े फंस जाते हैं, उनसे दांत सड़ने लगते हैं, उनमें कीड़ा लग जाता है, दांत काले पड़ जाते हैं, वे समय से पहले टूटकर गिर जाते हैं। इधर कठिन शब्द हानिकारक यानी नुकसान, सड़ने दुर्गंध युक्त। छोटे छोटे बच्चे ने क्या करते हैं? हर समय कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। इसी तरह करते समय दांत हानिकारक होता है, इसी तरह खाना अच्छा नहीं है, दांतों में कीड़ा लगते हैं, अन्न के टुकड़े फंस जाते हैं, दांत सड़ने लगते हैं, उनमें कीड़ा लगकर धीरे धीरे दांतों के अंदर खोल कर करता है, समय से पहले टूटकर गिर जाता है। इसी तरह खाते समय अन्न के टुकड़े दांतों के सामने अन्न के टुकड़े फंस जाते हैं, दांत सड़ने लगते हैं। इसी तरह खाना खाने के बाद गर्मी पानी से दांत को साफ करना अत्यंत आवश्यक है। अपनी दांतों को मजबूत बनने के लिए हर दिन यानी रोज सब्जियां और फलों को खाना चाहिए। दांतों को व्यायाम होती है, इसी तरह कच्ची सब्जियां और फल खाते समय दांतों को व्यायाम होती है और दांत साफ भी रहती है। और दूध पीते समय दूध में कैल्शियम होता है, कैल्शियम हमारे दांतों के लिए बहुत लाभदायक होता है। आप भी आज से सब्जियां और फल और एक ग्लास दूध पीना शुरू करो। उसे सब बच्चों को अपनाना चाहिए। यदि आप अपने दांत साफ सुथरे और स्वास्थ्य रखना चाहते हैं, तो सदा इन नियमों का पालन करना चाहिए। तारीफा यानी प्रकार अपनाना, स्वीकार करना, आदतें अभ्यास करना। नीचे दिए गए नियमों को आप भी पालन करो। इधर प्रातः उठने के बाद और रात में सोने से पूर्व दो बार दांत को साफ करना चाहिए। दोनों समय भोजन करने के बाद नीम के गर्म पानी से दांत साफ करने चाहिए। हम जब भी कुछ खाए उंगली से रगड़ कर दांत साफ करने चाहिए। इस अच्छी आदतें अपना कर आपने दांतों को स्वस्थ बन सकते हैं। आप भी इस तीन नियमों को अच्छी तरह से पालन करते समय आपकी दांत भी मोतियों की तरह स्वस्थ होता है।
नेक्स्ट ओपन यूर नेक्स्ट लेसन दांतों की सफाई. नेक्स्ट लेसन दांतों की सफाई टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज. इधर इधर देखो, इधर ऊपर उत्तर है. इस उत्तर को चुनकर प्रश्न पढ़ो. सही उत्तर को चुनकर इस जगह में लिखो. ले लो पेंसिल. दांतों की सफाई हम सबको बहुत ध्यान से करनी चाहिए. दांतों की सफाई हम सब बहुत, इधर ध्यान है ना, ध्यान. सही शब्द को चुनकर इधर लिखो, ध्यान से करनी चाहिए. कोई सॉरी कई बच्चों के दांत डैश की तरह चमकते हैं. मोतियों, इधर मोतियों चुनकर इधर लिखो, मोतियों की तरह चमकते हैं. तीसरा, गांव में बहुत से लोग डैश भी करते हैं. गांव में बहुत से लोग दातुन भी करते हैं. इधर दातुन है ना, इसको चुनकर इधर दातुन लिखो. कई बच्चे हर समय कुछ ना कुछ काते रहते हैं. इधर काते है ना, काते शब्द को चुनकर इधर लिखो. दांतों का काम डैश का चबाना है. दांतों का काम भोजन का चबाना है. इसी तरह आप भी इस पुस्तक में एक्सरसाइज चूज द करेक्ट आंसर लिखो. बाद में अगला एक्सरसाइज, निम्नलिखित विलोम शब्द लिखो. अच्छा, अच्छा शब्द का आंसर बुरा. हानि, हानि शब्द का उत्तर लाभ. नेक्स्ट गरम, गरम शब्द का उत्तर ठंडा. प्रातः, प्रातः का शब्द का विलोम शब्द रात. नेक्स्ट वाक्यों में प्रयोग करो. मैं पुस्तक में लिखती हूँ, इसको देखकर आप भी पेंसिल के सहायता से टेक्स्ट बुक में लिखने के लिए शुरू करो. फर्स्ट वन, नास समय. हम सब, फर्स्ट वन हम सब नाश्ते के समय नाश्ते के समय बहुत खुश थे. नेक्स्ट सेकेंड वन, सुबह. माय रोज सुबह सुबह जल्दी उठ जाती हूँ. जाती हूँ. नेक्स्ट थर्ड वन, उपाय. आसानी से काम करने के लिए उपाय बताओ. आसानी से काम करने का उपाय बताओ. नेक्स्ट वन, उत्तम. अच्छे कपड़े पहनकर उत्तम भोजन करो.
तम भोजन करो। नेक्स्ट फिफ्थ वन, रक्षा, दांतों की रक्षा अच्छी तरह करना चाहिए। दांतों की रक्षा अच्छी तरह करना चाहिए। करना चाहिए। नेक्स्ट वाक्यों के प्रयोग के बाद नीचे वचन बदल कर लिखिए। इधर देखो, फर्स्ट वन, काला है काला काले लिखो। दूसरा, उंगलियां, नियमे। नेक्स्ट, गांव, बच्चा, बच्चे। दांत, मोतिया। रुचिया, रुचि। टुकड़े, टुकड़ा। लड़कियां, लड़की। इस आंसर को देखकर, उत्तर को देखकर आपके पाठ्यपुस्तक में एक्सरसाइज है ना, इसमें लिखो।